दोस्तों बात करने वाले इंडियन रेलवे फाइनेंस मतलब IRFC स्टॉक के बारे में। दोस्तों IRFC के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। कल यहाँ पे 26 जो फरवरी है वो है, एंड यहाँ पे कल कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे बोर्ड मीटिंग के लिए देखा जाए कि एक भाई का अपडेट यहाँ पे है कि भाई एक भाई यहाँ पे कमेंट कर रहा था, बोल रहा था कि जो बॉन्ड्स की अपडेट है भाई ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों हो सकती है, बिल्कुल कुछ भी मार्केट में कुछ भी यहाँ पे ऑफिशियली एंड यहाँ पे नॉन ऑफिशियली कुछ भी हो सकता है। हम नहीं कर सकते जब तक कंपनी खुद यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं करती है। तो कल बोर्ड मीटिंग है, कल ये देखो जो पहले अपडेट आता है बोर्ड मीटिंग से पहले अटकल है यहाँ पे कि भाई ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पे चांस है कि दोस्तों कल बोर्ड मीटिंग है तो कल पूरा खुलासा हो जाएगा कंपनी क्या अपडेट करेगी यहाँ पे, एंड क्या बोर्ड मीटिंग में जो बॉन्ड्स से फंड जुटाने को लेकर कुछ भी बोल सकती है, जुटा भी सकती है नहीं भी जुटा भी सकती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज की ऑफर्स का भी कुछ यहाँ पर डिक्लाइन कंपनी भाई कर सकती है, ठीक है ना। तो कल का दिन कंपनी जो IRFC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल वो यहाँ पे जो बोर्ड मीटिंग है वो है, एंड कल की दोस्तों अगर बात करूं मैं तो वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है भाई। अगर बोर्ड मीटिंग दिन में रहती है, मार्केट ओपन रहता है, उसके बीच कोई अपडेट आता है तो डेफिनेटली यहाँ से दोस्तों स्टॉक फिर से 160 का लेवल क्रॉस कर सकता है। एंड करंटली यहाँ पे देखो दोस्तों मेन चीज हम स्टॉक के थोड़े फंडामेंटल का डाटा समझ लेते हैं। देखो भाई जो RSI स्टॉक का PE रेशियो था, ठीक है ना, रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले ये PE कितना चला गया था, अराउंड भाई 42 प्लस क्रॉस कर गया था। इसके बाद हमें गिरावट भी देखने को मिली, 192 से रेगुलर गिरा, एंड 192 से गिरने के बाद कंपनी के क्वार्टर के लिए आंकड़े भी दिखे हैं। तो देखो आंकड़ों को ज्यादा नेगेटिव नहीं लिया, अगर आंकड़ों को नेगेटिव लेते तो जहां से ये उठा है वहीं ये चला जाता, अराउंड यहाँ पे 100 रुपए के आसपास। अगर लोग बोल रहे हैं कि भाई 100 ये जाएगा, देखो भाई 100 जाना इतना आसान नहीं है, भले ये कंसोलिडेट कर सकता है पर करेक्शन ये नहीं दिखाएगा। मेन चीज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा स्टॉक की वैल्यू। दोस्तों पी स्टॉक का 33 का है, डेफिनेटली यहाँ से बी दोस्तों ये अराउंड 40 36 से 40 के बीच ये कंसोलिडेट करेगा, तो इतना नहीं गिरेगा। यहाँ पे 160 65 के आसपास ये कंसोलिडेट हमें करता हुआ देखने को मिलेगा। एंड मेन इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे दोस्तों, कंसोलिडेट एक लंबा समय था कंसोलिडेट में, यहाँ पे ये हाल ही के अंदर यहाँ पे डबल हुआ ना भाई, ये इस डबल के पीछे आप देख लो कितना इंतजार इसने करवाया है। अब यहाँ पे सेम वही चीज प्रोसेस फिर से ये करेगा कंसोलिडेट, क्योंकि चार्ट पैटर्न अगर आप भाई सेम एक बार समझोगे ना तो आपको बहुत मजा आने वाला चार्ट पैटर्न। सारी चीजें क्लियर करना, देख लो कंसोलिडेट तेजी कंसोलिडेट तेजी कंसोलिडेट तेजी कंसोलिडेट तेजी कंसोलिडेट तेजी फिर से कंसोलिडेट फिर से तेजी यहाँ पे तो समझना पड़ेगा दोस्तों। जब जब देखो यहाँ पे बाउंस आया वॉल्यूम देख लो, यहाँ पे बाउंस आया वॉल्यूम देख लो, यहाँ पे बाउंस आया वॉल्यूम देख लो, यहाँ पे बाउंस था वॉल्यूम देख लो, और यहाँ पे जो बाउंस आया हाल ही में इसकी वॉल्यूम देख लो। अब फिर से अगर यहाँ से ये रिवर्सल कर देता है तो डिफरेंट यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम दोस्तों कई सारी चीजें हमारे सामने हमें क्लियर कर रही है। मेन चीज यहाँ पे दोस्तों देखो क्वार्टर रिजल्ट कंपनी के अच्छे हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर बैलेंस शीट का हम देखें कि बैलेंस शीट कैसी है तो देखो रिजर्व आप देख सकते हो कंपनी के भाई 34,000 करोड़ का कंपनी के पास करंटली रिजर्व पड़ा हुआ कैश, ठीक है ना, जो कि 2015 में ये 5,000 करोड़ का रिजर्व था जो कि बढ़ के आप देख लो कितना हो चुका है। कर्जे की बात करें बोरोइंग की तो 4,06,000 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा है जो कि पहले 71,000 करोड़ का कर्जा था। जिस प्रकार कंपनी ने दोस्तों ग्रोइंग किया है मतलब ग्रो हुई है, उस प्रकार यहाँ पे कंपनी के जो फंडामेंटली एसेट्स वगैरह जो है वो जिसने में भी ग्रो आया है, एंड यहाँ पे जो कंपनी का कर्ज है वो भी बढ़ा है। यहाँ पे मेन चीज दोस्तों मेन यहाँ पे कंपनी के एसेट्स है, तो एसेट्स आप देख सकते हो 5 लाख करोड़ के एसेट्स, तो 5 लाख करोड़ का तो एसेट्स हो गया, इसी के साथ यहाँ पे 34,000 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों 5,50,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट के अगर करंटली चला जाता है, क्योंकि अभी के टाइम मार्केट के आप देखेंगे तो 2 लाख करोड़ का देखने को मिल रहा है, 2,10,000 करोड़ का, 2,210 करोड़ का मार्केट, ठीक है, ये मार्केट का अगर 5 लाख करोड़ का भी चला जाता है क्या लगता है आपको कंपनी के पास इतने एसेट्स नहीं है, कंपनी के भाई एसेट्स है कंपनी के पास, ठीक है ना। ये बुक वैल्यू दोस्तों आपको जो देखने को मिल रहा है, कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है ना, इसलिए स्टॉक के प्राइस कम हो जाते हैं, स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो बढ़ जाती है प्रति इक्विटी, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें एक चीज समझना है, बड़े प्लेयर्स का गेन देखो, हमें अभी के टाइम स्टॉक आ चुका है 30 से अराउंड 200 के आसपास, तो यहाँ पे FI का डाटा देख लो दोस्तों 1.15 है, एंड यहाँ पे DI का देख लो आप 1.15 के आसपास ही DI का, FI DI दोनों सेम माल लेके बैठे हैं। इसके बाद पब्लिक के पास देखो 11.34, अब यहाँ पे जो ऑफर्स आएगा ठीक है ना, 86.36% कंपनी के माल है, कंपनी के पास इतना माल है, ठीक है ना। अब ये जो माल कंपनी बेचेगी ऑफर्स के थ्रू, ये कौन खरीदेगा आपके FI DI, डेफिनेटली इनकी होल्डिंग आप देख लेना 10 10 प्लस हमें होते हुए देखने को मिल जाएगी, दोनों में कम से कम यहाँ पे 8 7 8 8% की इनकी होल्डिंग होने वाली है। तो भाई ये टोटली के टाइम जो पैनिक गिरावट हो रही है, जो कंसोलिडेट ये कर रहा है ये करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना दोस्तों
चार्ट खुद आपको संकेत कर रहा है कि देखो तेजी आती है, फिर कंसोलिडेट, तेजी फिर कंसोलिडेट। आप यहाँ पे कंसोलिडेट ये करेगा, उसके बाद आप समझेंगे कि भाई तो कंसोलिडेट ही करता रहेगा, बट उसी टाइम भी ब्लास्ट करता है। तो अभी के टाइम पैसे रखें,